गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 1.25 जो कि एडिशनल एक्सरसाइज है और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसको आप लोग देखें। क्वेश्चन में कहता है एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक ड्रॉप है, ठीक है। 1.25 में क्वेश्चन में कहा जाता है एक ड्रॉप है, देखिए, और उस ड्रॉप में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का है, 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो n की वैल्यू है वो 12 दे रखी है। और यहां पर स्टेशनरी है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं इसके बीच में और वो स्टेशनरी है, नहीं रुकी हुई है। तो रुकी हुई होने का मतलब ये है कि इस पर इतना फोर्स काम कर रहा है कि इसका जो वेट नीचे की, देखिए ड्रॉप है तो वेट इसका नीचे की तरफ होगा, तो अगर ये रुका हुआ है इसका मतलब कोई इसको खींच रहा है, और वो कौन है खींचने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रही है, यानी इस पर एक फोर्स काम कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ड्रॉप, दैट इज वाई इट इज कॉन्स्टेंट, दैट इज वाई इट इज स्टेशनरी। अब यहां पर स्टेशनरी है अगर, तो हमें क्या क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो वो दिया हुआ है हमको 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। उसके बाद दिया हुआ है इसमें डेंसिटी दे रखी है ड्रॉप की, जो उसके अंदर ऑयल भरा हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी की वैल्यू दे रखी 9 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग जानते हैं, रेडियस पता करनी है। देखिए अब यहां समझिए जरा, जो वेट है वो वेट किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फोर्स के, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल है वेट ऑफ द ड्रॉप, वेट ऑफ द ड्रॉप। अब वेट क्या होता है, एम इंटू जी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है, ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 πr³ फॉर्मूला है। डेंसिटी हमको दे रखी, ग्रेविटी हमको मालूम है। इलेक्ट्रिक फोर्स, देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है ई इंटू चार्ज। देखिए आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, लेकिन क्यू कितना है, ठीक है क्यू है एनी के बराबर, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें 12 है तो हम रख लेंगे, तो यानी कि एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू एनी, तो यहां ई इंटू एनी हो जाएगा, सॉरी एफ की वैल्यू जाएगी, हाँ ई इंटू एनी, ई बड़ा बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर ई, ये देखिए यहां तक ले आए हम, यहां तक ले आए हम, ठीक है। अब हमको आर पता करना है, तो 3 उधर चला जाएगा, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड एन इंटू ई बाई 4π r, अच्छा आर तो निकाल ही लिया, डेंसिटी और ग्रेविटी। अब ये सारी वैल्यूज हमें पुट करनी है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 2.55 × 10⁴, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है हमको मालूम है, 4π की वैल्यू 3.14 है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डेंसिटी हमको दे रखी है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको जो है ग्राम से बना लें, किलोग्राम देखिए, इसको अलग देखिए समझ लीजिए, 1.26 ग्राम से बना लें किलोग्राम, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ग्राम से किलोग्राम बनाने में, ग्राम से किलोग्राम बनाने 1000 डिवाइड करना, और सेंटीमीटर में बनाने 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 × 100 करना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको जो है हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम वहां 1.26 × 1000 कर दें, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि एमकेएस सिस्टम में सारी वैल्यूज पुट करनी है जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। और ग्रेविटी हमको दे रखी 9.81। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से लगभग इसका जो है 0.94 × 10⁻¹⁸ ये आ जाएगा आर क्यूब की वैल्यू, लेकिन हमें तो आर पता करना है, तो इसको क्या करेंगे, क्यू रूट निकालेंगे। क्यू रूट आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है अच्छी तरह से, तो इसको निकाल करके सॉल्व कर लेंगे,
वन बाई थ्री इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट निकालेंगे बच्चों इसको लॉग से करना पड़ेगा, लॉग से भी कर सकते हैं और आईएससी वालों को तो कैलकुलेटर मिलता है तो वो वैसे ही कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा फाइनली 9.81 इंटू 10^-7 यूनिट इसकी आ जाएगी मीटर में क्योंकि इसको एमपीएस सिस्टम चेंज कर चुके हैं, ये आंसर आपका आएगा। अब यहाँ दिक्कत थोड़ी सी आपको होगी क्यूब रूट सही करने में, क्यूब रूट आपको निकालना आना चाहिए, मैथमेटिक्स थोड़ी इतनी आनी चाहिए, स्क्वायर रूट क्यूब रूट ही सीखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय।